नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पेड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, ये नारियल का पेड़ है। इसको मैं कैसे सुखाऊंगा, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि कौन सा केमिकल चाहिए जिस वजह से ये पेड़ बहुत ही आसानी से सूख जाता है। दोस्तों, नारियल का जो पेड़ होता है वो काफ़ी मोटा और उसकी जो परत होती है काफ़ी मोटी होती है, इस वजह से इसे सुखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस तरह से कई एक व्यक्ति ने इसको आग से जलाने की भी कोशिश की थी पर ये नहीं सूखा, ये अभी भी हरा है, आप देख पा रहे हैं ऊपर हरा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे सुखाना बहुत ही मुश्किल होता है, बट जो इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा उसको यूज करने के बाद उसे आप एक बार में ही सुखा पाएंगे। दोस्तों, इसका नाम है राउंड अप, स्टम्प किलर नाम से आता है। 250 ml का पैक आता है, एक पैक आपको चाहिए होगा एक पेड़ को सुखाने के लिए। ये 250 ml का पैक आप एक बार में एक ही पेड़ पर यूज कर पाएंगे, एक पेड़ पर पूरा का पूरा केमिकल डालना होगा। कैसे डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसका आपको यूज कैसे करना है, ये पूरा पैक लाना है, इसको आपको 5 से 6 लीटर पानी में मिलाना है। ठीक है, 5 से 6 लीटर पानी में मिलाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे खड्डा खोद लेना है। खड्डा खोदने में जैसे ये छाल काटी हुई है, ये छाल देखिए यहाँ से काटी हुई, आपको वैसे ही नीचे की तरफ से छाल काट देनी है। ये जो खाल है इसके ऊपर वाली थोड़ी सी काट देनी है ताकि केमिकल इसके अंदर घुसे और ये सूख जाए। ये एक आसान तरीका है जिस वजह से आप पेड़ को सुखा सकते हैं, और आप इस तरीके से यूज करके, स्टम्प किलर का यूज करके इस नारियल के लंबे से पेड़ को आसानी से सुखा सकते हैं बहुत ही जल्दी। अगर आपको कौन सा पेड़ सुखाना है उसके बारे में मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, रिक्वेस्ट आपसे। और दोस्तों, ये यूज करने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि ऊपर से मिट्टी नहीं डालनी उस खड्डे में, उसको पड़े रहना है दो तीन दिन। पड़े रहने के बाद आप देखेंगे तीसरे दिन चौथे दिन में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा, पत्ते मुरझा जाएंगे और आपका पेड़ सूखने लग जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड करें, शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।